टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी साथियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय तिरंगा सिर्फ भारतीय संप्रभुता का प्रतीक ही नहीं बल्कि हम देशवासियों का गर्व भी है। यह झंडा हमारे वीर सैनिकों का सम्मान है। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में हम उस तिरंगे झंडे का अतीत और वर्तमान तक के सफर को देखेंगे जिससे आज विश्व की हर शक्ति हाथ मिलाना चाहती है। देश में राष्ट्रीय ध्वज का कॉन्सेप्ट तब आया जब 1831 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जा रहे थे। उन्हें एक फ्रांसीसी जहाज पर फ्रांस का झंडा लहराता दिखाई दिया। खास बात यह रही कि उस झंडे में भी तीन रंग थे। आगे चलकर 20वीं शताब्दी में स्वदेशी आंदोलन ने जब जोर पकड़ा तो राष्ट्रीय झंडे की आवश्यकता महसूस की गई। आपको बताते चलें कि भारतीय राष्ट्रवाद पर फ्रांसीसी क्रांति और उसके नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में राजा राममोहन राय द्वारा कोई खास प्रयास नहीं किया गया था। हमारा झंडा 3:2 के अनुपात में बनाया जाता है। झंडे में केसरिया और हरे रंग की दो पट्टियों के बीच स्थित सफ़ेद पट्टी पर गहरे नीले रंग का एक चक्र है। इसमें कुल 24 तीलियां हैं जो हमेशा प्रगति को प्रदर्शित करते हैं। तिरंगे के इस चक्र को सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसे धर्म चक्र या विधि चक्र भी कहा जाता है। केसरिया रंग देश के साहस का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति और सत्य का, तो हरा रंग उर्वरता और भूमि की पवित्रता को बताता है। वर्ष 1900 में राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को महसूस किया गया। पहली बार झंडे का प्रारूप स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता द्वारा बनाया गया। सिस्टर निवेदिता को ध्वज का यह आइडिया बोधगया में वज्र को देखकर आया था। वज्र को शक्ति का प्रतीक माना जाता है जो भगवान इंद्र का भी प्रतीक है। इनका झंडा लाल रंग का वर्गाकार था। इसके चारों ओर सफ़ेद रंग के 101 जलते हुए दीपक बनाए गए थे। बीचों बीच पीले रंग में वज्र था और पीले रंग में ही बंगाली भाषा में बाईं ओर वंदे और दाहिनी ओर मातरम लिखा गया था। इसके बाद 1906 में लोटस फ्लैग का कॉन्सेप्ट आया। माना जाता है कि इसका डिज़ाइन शचीन्द्रनाथ बोस ने तैयार किया था। तीन रंगों के इस झंडे में ऊपरी केसरिया पट्टी पर सफ़ेद रंग के और 8 अध किले कमल का फूल था। बीच की पीली पट्टी पर नीले रंग से देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा गया था। नीचे की हरी पट्टी पर दाईं ओर चांद और तारा तथा बाईं ओर सूरज बना था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1906 को इसी झंडे को पारसी बागान चौक या ग्रीन पार्क में फहराया गया था। 22 अगस्त 1907 को झंडे का रंग बदल गया। मैडम भीकाजी कामा द्वारा बनाए गए झंडे में ऊपरी पट्टी केसरिया रंग की न होकर हरे रंग की थी। इसमें भी 8 अधखिले कमल को स्थान मिला जबकि बीच वाली पट्टी केसरिया रंग की थी। नीचे वाली लाल पट्टी पर चांद और सूरज बनाया गया था। इसे पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया जो विदेशी धरती पर फहराए जाने वाला पहला झंडा था। 1917 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने देश के लिए तीसरा झंडा बनाया। इसमें 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां थीं और चांद तारों को शामिल किया गया। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर यूनियन जैक बनाया गया था। ऊपर कोने में एक सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। 1919 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार इसे फहराया गया था। अब तक बनाए गए किसी झंडे पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी। अप्रैल 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भाग लेने गए महात्मा गांधी को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने एक झंडा भेंट किया था जिस पर लाल और हरे रंग की दो पट्टियां थीं और बीच में एक चरखा बना हुआ था। इसमें प्रयोग किया गया लाल और हरा रंग दो अलग अलग समुदायों को दिखाता था, लाल रंग हिंदुओं को तो हरा रंग मुसलमानों को। लेकिन यह झंडा गांधी जी को पसंद नहीं आया और उन्होंने पिंगली को सफ़ेद रंग जोड़ने का सुझाव दिया। 3 घंटे में ही पिंगली वेंकैया ने एक नया झंडा पेश किया जिसमें सबसे ऊपर सफ़ेद, बीच में हरा और सबसे नीचे लाल रंग था और बीच में तीनों रंगों पर एक चरखा था। लेकिन इस झंडे पर भी आम सहमति नहीं बन पाई थी।
2 अप्रैल 1931 को 7 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई ताकि एक ऐसा झंडा बनाया जाए जिस पर आम सहमति बन सके। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पिंगली वेंकैया ने देश के लिए एक नए झंडे का खाका बनाया जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग था। बीच की सफ़ेद पट्टी पर ही चरखा बना था। इस पर सर्वसहमति बन गई। अंग्रेजों ने जैसे ही देश को आज़ाद करने की बात कही वैसे ही देश के सामने झंडे को लेकर एक अहम सवाल खड़ा हुआ था। आखिरकार आज़ाद भारत का राष्ट्रीय झंडा कैसा होना चाहिए? इसके चलते 23 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। 21 दिन की लंबी बैठक के बाद 14 जुलाई 1947 को समिति ने फैसला किया कि कुछ बदलाव करके अखिल भारतीय कांग्रेस के झंडे को ही देश का राष्ट्रीय ध्वज मान लिया जाए। परिवर्तन के नाम पर अशोक चक्र को शामिल किया गया। इस तरह 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार कर लिया गया। तो ये था भारतीय तिरंगे का सफरनामा। हमें आज़ादी दिलाने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को आज इस पावन अवसर पर हम उनको याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं।